वेल डन एसीबी। और आज फिर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर से बनियार तहसील ऑफिस का एक क्लर्क को एसीबी 10,000 रुपया जो करप्शन लेते हुए जो है एसीबी इसको अरेस्ट करती है। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक शख्स जो है तहसीलदार बनियार के पास चला जाता है, उनको अपनी एप्लीकेशन फिल करके उनके ऑफिस में चला जाता है, उनको बताता है कि मैं लंबरदार बनना चाहता हूँ। आई थिंक काफी पूरी फॉर्मेलिटीज लेकर चला जाता है। जो जो वहां के तहसीलदार साहब होते हैं वो मरफतुल हक जो वहां का क्लर्क होता है उसको बोल देते हैं कि आप इस क्लर्क साहब से बात करें या आपको पूरी फाइल का प्रोसीजर बता देंगे। आखिरकार जब वो शख्स उसके पास चला जाता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो जो क्लर्क होता है इसे 2,000 रुपया सबसे पहले करप्शन मांगता है। ये बंदा 2,000 रुपया दे देता है तो उसके बाद इसकी इसका काम नहीं होता है। 10-20 दिन तक ये कंटिन्यू जो है वहां तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहा होता है। जब इसको लगता है कि ये तहसील का जो क्लर्क है जिसका नाम मरफतुल हक है, वहां का जो क्लर्क है, ये काम नहीं कर रहा, ये डिमांड 10,000 रुपये डिमांड और करता है कि इतने पैसे मेरे को और दिए जाए, मैं जो क्या करूंगा तब जाके तेरा काम कर पाऊंगा। ये शख्स जो होता है जिसने कंप्लेंट की है एसीबी को, ये शख्स जो है बिल्कुल भी जो है पैसे नहीं दे सकता है क्योंकि गरीब घर का बंदा होता है। एसीबी के पास चला जाता है, एसीबी के पास जाकर के पूरी कहानी बता करके वहां पे रिटर्न कंप्लेंट कर देता है इसके खिलाफ। एसीबी को यही कहता है कि मेरे से 10,000 रुपये और मांग रहा है, पहले से इसने 2,000 रुपये में से ले रखा है। जब एसीबी पूरी इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करके उसके बाद एसीबी क्या करती है, 22 जुलाई को बनिहाल जो भी है बनियार जो तहसील ऑफिस है वहां पे चले जाते हैं, इस क्लर्क से रंगे हाथों रेड हैंडेड जो है करप्शन पकड़ लेते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जब उसकी चेकिंग होती है मरफतुल हक जो वहां का क्लर्क है उसकी जेब से 64,000 रुपये जो है पैसे निकलते हैं। जब एसीबी उसे सवाल करती है, उसे पूछताछ करती है, उसके पास कोई भी जो है जवाब नहीं होता है देने के लिए। आई थिंक वो पूरी करप्शन ही की होती है। एसीबी जो है उससे वो पैसे भी सीज कर देती है। मैं एफआईआर नंबर बताने की कोशिश करूंगा। एफआईआर नंबर है 06-2023 पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला के अंदर जो है ये रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 7 पीसी एक्ट 1998 के थ्रू जो है रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। मैं फिर से एसीबी को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। इस किस्म के रिश्वतखोर जो चाहे ऑफिसर हों चाहे क्लर्क हों, गरीब लोगों से इतना लूट करके जो है, गवर्नमेंट की सैलरी अलग से मिलती है और गरीब लोगों से अलग से लूट रहे हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एसीबी को जो इस किस्म के रिश्वतखोर लोगों को अरेस्ट करती है और जो हमारी पब्लिक है इनको बचाने की बहुत ही ज्यादा एसीबी का काफी ज्यादा रोल है। और मैं फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ एसीबी को, इस तरीके के गंदे लोगों को जो ये करप्शन करते हैं इनको अरेस्ट किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर से खासकर पूरी इंडिया की बात करता हूँ कहीं भी जो है करप्शन ना रहे।